मूवी ब्रीफिंग चैनल पर आपका स्वागत है। द गर्ल ऑन द ट्रेन 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकन मूवी है। 2015 में आए पॉपुलर नॉवल द गर्ल ऑन द ट्रेन, जो एक मिस्ट्री थ्रिलर है पर बेस्ड है। बॉलीवुड में भी 2021 में इसी नॉवल पर बेस्ड मूवी बन चुकी है। बॉलीवुड में मूवी की लीड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा थी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत रेशल से होती है। उसने एक साल पहले जॉब खो दी है। उसे शराब पीने की लत लगी हुई है। वो न्यूयॉर्क में ट्रेन में ट्रैवल करती रहती है। वो हर रोज एक ही रूट की ट्रेन में बैठ जाती है और बाहर के घरों को देखती रहती है और वहाँ रहने वाले लोगों की लाइफ को इमेजिन करती है। बस यही उसका काम है। उनमें से एक घर में मेगन रहती है, लेकिन रेशल उसका नाम तक नहीं जानती। वो बस उसकी लाइफ इमेजिन करती है। उसे लगता है मेगन एक परफेक्ट लेडी है और उसकी लाइफ भी परफेक्ट है। उसका उसके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप भी परफेक्ट है, लेकिन रियलिटी ये नहीं होती। मेगन का हस्बैंड स्कॉट इनसिक्योर हस्बैंड है। जब मेगन किसी और से मिलती है, वो इनसिक्योर हो जाता है। मेगन पहले एक सक्सेसफुल करियर चला रही थी, लेकिन अब उसने एक नैनी का काम स्टार्ट कर दिया है। वो अपने नेबर के घर में ही नैनी का काम करने लगी है। मेगन को लगता था उसकी लाइफ बदल गई है। वो एक हाउसवाइफ और नैनी बनकर रह गई है। वो अपनी नेबर एना के घर उसकी बेबी एवी की नैनी थी। अब उसने ये जॉब भी छोड़ दिया है। एना रेशल के एक्स हस्बैंड की वाइफ है। रेशल एना के घर को ट्रेन से देखती रहती है और पास जाकर भी कई बार देखने की कोशिश कर चुकी है। एक बार तो उसने उसके घर जाकर बेबी को उठा लिया था। वो अपने एक्स को भी कई बार फोन कर चुकी है। तीनों औरतों की लाइफ डिफरेंट है। ये तीनों ही न्यूयॉर्क के बाहर रहती हैं। रेशल अपनी फ्रेंड कैथी के साथ रहती है। कैथी को रेशल के ड्रिंकिंग और एक्स हस्बैंड की मैरिड लाइफ में अभी भी इंटरेस्ट लेने की वजह से उसकी फिक्र होती रहती है। रिश्ता टूटने का एक रीज़न ये भी था कि रेशल माँ नहीं बन सकती थी और वो इस गम में ही बहुत ड्रिंक करने लगी थी। ट्रेन में रेशल की हरकतें बाकी पैसेंजर्स भी रोज़ नोटिस करते हैं। वो ड्रंक हालात में बाहर के घरों को देखती रहती है। एक दिन रेशल देखती है कि मेगन अपने घर में किसी और को किस कर रही होती है। ये आदमी मेगन का डॉक्टर एबडिक है, लेकिन रेशल तो उसे नहीं जानती। रेशल मेगन की लाइफ को रियलिटी में नहीं जानती। वो बस ख्यालों में ही उसे समझती है। उसे ये लगता है कि मेगन का अफेयर चल रहा है। रेशल को ये देखकर अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि मेगन अपनी अच्छी भली लाइफ को खराब कर रही है। रेशल दुखी होकर ड्रिंक करने लगती है। वो अपने मैरिड लाइफ याद करने लगती है, खुद की गलतियां याद करने लगती है। वो एक्स हस्बैंड टॉम उसकी भेजी ईमेल्स को याद करती है और उसके साथ बार पर ड्रिंक करने वाली एक और औरत को भी सब दिखाती है। उसे बताती है कि वो मेगन को उसके पति को चीट करने पर उसे पीटना चाहती है। रेशल अब मेगन को मिलना चाहती है। वो ट्रेन से मेगन के घर चली जाती है। उसी ट्रेन से एक पैसेंजर भी उसे फॉलो करता ट्रेन से उतर जाता है। रेशल उसे देख लेती है। आगे टनल के पास औरत जा रही होती है। रेशल उसे रुक जाने को कहती है और सीन चेंज कर दिया जाता है। दिखाया जाता है रेशल 24 घंटे बाद उठती है। वो बहुत ज्यादा ड्रंक होने के कारण समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हुआ है। उसका रूम बिखरा हुआ है और उसके हाथ मुंह कपड़ों पर खून लगा हुआ है। उसको बस अपने एक्स की बात सुनाई दे रही है। वो उसे और उसकी वाइफ एना को अकेले छोड़ देने को कह रहा है। रेशल को गुजरे दिन की कुछ भी बात याद नहीं आ रही होती। वो अपने फ़ोन को उठाती है और फ़ोन पर वीडियो रिकॉर्डिंग देखने लगती है। वो उन इमेजेस से समझने की कोशिश करती है कि क्या हुआ है। उसे उसमें मेगन टनल के पास जाती याद आती है और वही पैसेंजर भी उसको फॉलो कर रहा होता है। वो मेगन को टनल में और फिर उसके घर में देखती है। वो पूरे इंसिडेंट को फिर से समझने की कोशिश करती है। वो ट्रेन में मार्था को देखती है। मार्था टॉम के ओल्ड बॉस की वाइफ है। रेशल को फ्लैशबैक में एक इंसिडेंट याद आता है। एक साल पहले रेशल ने एक पार्टी में शराब पीकर सामान फेंकना और तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दिया था। उसने वहां एम्बैरेसिंग हरकतें की, जिससे टॉम को उसकी जॉब खोनी पड़ी थी। रेशल को कुछ भी याद नहीं था। उसके पति टॉम ने उसे ये सब बताया था। रेशल को टॉम के साथ उसकी मैरिड लाइफ की यादें
आने लगती है। वो टॉम को बहुत परेशान करती थी। रेशल कैथी के पास रूम में पहुंचती है। वहाँ डिटेक्टिव राइली एक और डिटेक्टिव के साथ वहाँ रेशल का वेट कर रही होती है। राइली रेशल से पूछती है कि वो फ्राइडे नाइट कहाँ थी। रेशल बताती है कि वो टॉम को देखने जाना चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो 11 बजे घर पर ही रुक गई थी। लेकिन राइली उसे पूछती है कि वो ट्रेन से उतरने के बाद घर पर आने तक बीच के 5 घंटे कहाँ थी। वो रेशल को मेगन की फोटोज दिखाती है और बताती है कि मेगन उस फ्राइडे से मिसिंग है। रेशल कहती है वो मेगन को नहीं जानती और ना ही उसने उसको पहले कभी देखा है। डिटेक्टिव के जाने के बाद कैथी उससे पूछती है कि इतने लंबे टाइम से उसके पास जॉब नहीं थी, उसने उसे ये बात क्यों नहीं बताई। रेशल कहती है कि उसके पास एल्युमिनी मनी है, उसके साथ रूम रेंट पे करती रहेगी। कैथी उसे कहती है कि जब ब्लैकआउट हो जाता है ऐसे में लोग कई बार बहुत बुरे काम भी कर देते हैं। कैथी से बात करते रेशल को मेगन के साथ खड़े उस आदमी की याद आ जाती है और वो भागकर डिटेक्टिव को उसके बारे में बताने चली जाती है। राइली को पता चलता है कि रेशल मेगन को किसी तरह से जानती है और ये भी जानती है कि उसका अफेयर था। उसे खबर भी मिली है कि वारदात की जगह पर एक ड्रंक औरत को भी देखा गया है। राइली को यकीन आ जाता है कि रेशल ने जरूर एना को देख लिया होगा। स्टोरी को फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहां मेगन डॉक्टर एब्रिक के साथ थेरेपी सेशन ले रही होती है। वो उसे बता रही होती है कि स्कॉट काफी पोजेसिव है। डॉक्टर मेगन को समझाता है कि स्कॉट उसे इमोशनली अब्यूज करता है, लेकिन मेगन को ये सब नॉर्मल लगता है क्योंकि वो उसे प्यार करती है। रेशल स्कॉट के पास जाकर उसे कहती है कि मेगन उसकी फ्रेंड है, उसने एक दिन ट्रेन से मेगन को किसी और को किस करते देखा था। स्कॉट अपसेट हो जाता है। वो रेशल को ड्रिंक भी ऑफर करता है। रेशल वो ड्रिंक पी लेती है। स्कॉट पूछता है कि क्या वो उस आदमी को देखकर पहचान सकती है। वो रेशल को डॉक्टर एब्रिक की फोटो दिखाता है। रेशल थोड़ा सोचती है और उसे उसकी पहचान आ जाती है। मेगन को फिर से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ वो किसी के साथ सो रही है। ये ना स्पॉट है और ना ही डॉक्टर एब्रिक। फिर वो डॉक्टर के पास नेक्स्ट सेशन के लिए चली जाती है। वो डॉक्टर को बताती है कि वो मॉम बनना चाहती है और बात को बीच में ही छोड़कर वो डॉक्टर को हक कर लेती है। फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर एब्रिक को अरेस्ट कर लिया जाता है। मेगन को स्कॉट का फोन आता है। वो बताता है डॉक्टर को छोड़ दिया गया है क्योंकि उसने शक वापस स्कॉट पर ही डाल दिया है, क्योंकि वो डॉक्टर स्कॉट के बारे में सब जानता है। रेशल डॉक्टर के पास थेरेपी के लिए चली जाती है। वो डॉक्टर एब्रिक को अपने ब्लैकआउट के बारे में सब बताती है। उसके साथ ब्लैकआउट के बाद जो भी होता है उसे कुछ याद नहीं रहता और वो बताती है कि उसने कैसे शराब पीना स्टार्ट किया था। एना दिखाई जाती है। वो पुलिस के पास रेशल की कंप्लेंट लेकर जाती है, लेकिन डिटेक्टिव एना को उसके पति टॉम पर नजर रखने को कहती है। कॉट रेशल को मिलने जाता है, उसे बताता है कि उसे डॉक्टर से पता लगा है कि मेगन प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसने ये बात उसे क्यों नहीं बताई थी। स्कॉट रात को रेशल के घर रुक जाता है और रेशल अब स्कॉट को थोड़ा पसंद करने लगी है और वो मेगन से उसका रिश्ता इमेजिन करने लगती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मेगन डॉक्टर एब्रिक को अपने प्रेग्नेंट होने के बारे में बताती है। वो बताती है कि वो मॉम क्यों बनना चाहती है। जब वो 17 साल की थी उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करती थी, लेकिन उस बच्चे की बाथटब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड की हेल्प से उस बच्चे को घर के सामने ही बरी किया था। बाद में उसका बॉयफ्रेंड उसे बिना बताए छोड़कर चला गया था। प्रेजेंट में रेशल डॉक्टर एब्रिक के पास चली जाती है। वो उसे बताती है कि एक दिन बहुत शराब पीने के बाद वो एना के घर चली गई थी और उसके बच्चे को उठाकर इमोशंस फील करना चाहती थी, क्योंकि वो खुद मॉम नहीं बन पाई थी। लेकिन एना ने जब रेशल को बच्चे के साथ देखा, उसे लगा रेशल बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। कुछ दिन बाद मेगन की डेड बॉडी पुलिस को मिल जाती है और अब ये केस मर्डर केस बन जाता है। एना दिखाई जाती है। उसका टॉम के साथ अफेयर बहुत पहले से था। रेशल और टॉम की मैरिड लाइफ में एना पहले से ही थी। एना रेशल के बारे में सोचने लगती है। रेशल के अजीब बिहेवियर और वॉयलेंट बिहेवियर के चलते वो मेगन को भी मार सकती है, लेकिन टॉम उसे विश्वास दिलाता है कि रेशल उदास जरूर रहती है लेकिन वो इतनी हार्मफुल नहीं है। मेगन के मेडिकल जांच से पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन बच्चे का पिता ना तो स्कॉट था
और ना ही डॉक्टर एबिट। स्कॉट रेशल के घर चला जाता है। उसे डिटेक्टिव ने बता दिया है रेशल मेगन को जानती तक नहीं थी। स्कॉट को रेशल पर गुस्सा आ रहा होता है। रेशल उसे कहती है लेकिन वो बस इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करना चाहती थी। स्कॉट गुस्से में वॉयलेंस दिखाता है और चला जाता है। अब रेशल को स्कॉट पर शक होने लगता है लेकिन डिटेक्टिव का कहना है कि स्कॉट की पहले ही सीसीटीवी फुटेज देख ली गई है। वो मर्डर के टाइम एक बार में बैठा था। राइली को अब रेशल पर शक होने लगता है। एक बार में बैठे रेशल को वही ट्रेन पैसेंजर दिख जाता है। रेशल उसे पूछती है कि वो उस फ्राइडे वहाँ क्या कर रहा था और उस दिन क्या हुआ था। वो उसे बताती है कि वो उसकी हेल्प करने के लिए ट्रेन से उसके पीछे गया था लेकिन रेशल ने उसे हेल्प लेने से मना कर दिया था और वो वहाँ से चला गया था। अब रेशल को भी खुद पर डाउट होने लगता है। शायद उसने ब्लैकआउट में मेगन को मार दिया है। वो डिटेक्टिव को ये सब बताने ट्रेन से निकल पड़ती है और रास्ते में उसे मार्था मिल जाती है। मार्था रेशल को देखकर बहुत खुश हो जाती है। रेशल मार्था से एक साल पहले बारबेक्यू पार्टी में उससे हुए हंगामे की माफ़ी मांगने लगती है। मार्था ये सुनकर सरप्राइज हो जाती है। उसे बताती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो चुपचाप रूम में जाकर सो गई थी। टॉम की जॉब इसलिए गई थी क्योंकि उसका ऑफिस में कई फीमेल्स के साथ अफेयर था। मार्था को उस टाइम रेशल के लिए फील भी होता था कि उसे ऐसा पति झेलना पड़ रहा है। अब रेशल को टॉम की सब बातें याद आने लगती हैं। वो एक अग्रेसिव पति था और तोड़फोड़ खुद ही करता था और रेशल की शराब पीकर सब भूल जाने की बीमारी का फायदा उठा रहा था। एना भी सब बातें सोच रही होती है और उसे टॉम के बैग से एक फोन मिलता है। उसे चार्ज करती है और उसमें सारे मैसेजेस रीड करने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि एक औरत का फोन है और टॉम का उससे अफेयर चल रहा था। वो टॉम को कुछ नहीं कहती। उसे वॉइस मैसेजेस से पता चल जाता है कि ये मेगन का ही फोन था। रेशल टनल में जाकर सब याद करने की कोशिश करने लगती है और उसे याद आता है कि टॉम ने उसे पकड़ कर हटा दिया था और मेगन को लेकर वहां से चला गया था। उसे ट्रेन पैसेंजर भी याद आया जो उसको उठाने वहां आया था। रेशल एना को मिलने चली जाती है। एना रेशल से डरती है क्योंकि टॉम ने उसे रेशल की वॉलेंस की स्टोरी बताई होती है लेकिन रेशल उसे कहती है कि वो टॉम से दूर रहे क्योंकि उसे शक है कि टॉम ने ही मेगन का मर्डर किया है। एना उस पर ट्रस्ट नहीं करती। टॉम वहां आ जाता है। टॉम को कहती है कि उसने ही मेगन को मारा है। एना भी कहती है कि उसे मेगन के फोन से पता चल गया है कि उसका टॉम के साथ अफेयर था। अब टॉम से एना और उसके बच्चे को बचाने के लिए रेशल पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है। टॉम उसे किचन में ले जाता है और ड्रिंक करने को कहता है। रेशल ड्रिंक नहीं करती। वो वोडका उसके मुंह पर फेंक देता है। मेगन के मर्डर का टाइम दिखाया जाता है। टॉम और मेगन जंगल में जाते हैं। मेगन टॉम को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। वो खुश है लेकिन टॉम ये बच्चा नहीं चाहता। मेगन नहीं मानती तो उसे वो धक्का मार देता है और मेगन जाकर रॉक से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। टॉम बॉडी को हटाने की कोशिश करने लगता है। मेगन को होश आ जाता है। टॉम उसे ब्रूटली रॉक से मारने लगता है और जान से मार देता है। प्रेजेंट में टॉम रेशल को फिर से फेक स्टोरी बताने लगता है लेकिन इस बार रेशल को टॉम का सच पता है। वो कुछ नहीं सुनती। वो वहां से जाने लगती है। डोर लॉक होता है। टॉम उसे पकड़ कर मारने की कोशिश करने लगता है। रेशल उसे वाइन ओपनर से स्टैब कर देती है। एना भी आकर टॉम के गले में वही स्क्रू को घुसा देती है और दोनों मिलकर उसे मार देते हैं। राइली को दोनों सेम स्टोरीज बताती हैं और एना बताती है कि रेशल ने सब इंसिडेंट्स के बारे में बिल्कुल ठीक बताया था। रेशल मेगन की ग्रेव पर जाती है और अब ट्रेन में ऑपोजिट साइड पर बैठना स्टार्ट कर देती है और न्यू लाइफ के बारे में सोचने लगती है। कहानी इसके साथ ही खत्म हो जाती है।